हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी खंडेवा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ब्लॉग्स टू मेक थिंक में, और साथ ही मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे टैलेंट एग्जीबिशन में। वैसे तो भारत में प्राचीन काल से महिलाएं बहुत सारी कलाओं में पारंगत रही है, खास करके घरेलू कलाओं में, परंतु आज वर्तमान में लड़कियाँ और महिलाएं घरेलू कलाओं से थोड़ी दूर होती चली जा रही है। परंतु आज हम आपके सामने जिसकी कला प्रदर्शित करने जा रहे हैं वह लगभग घरेलू हर कला में निपुण है। मैं बात कर रही हूँ पुसरा वडूर के रहने वाली शिखा खंडेलवाल जी की, जो कि विभिन्न कलाओं में निपुण है। वह बेहद खूबसूरत रंगोली बनाती हैं, किसी भी तरह के चित्र को वह अपनी रंगोली में बखूबी उतार लेती हैं। साथ ही साथ वह मांडना भी बहुत खूबसूरत बनाती है। हमारी प्राचीन संस्कृति का एक बहुत अभिन्न अंग हुआ करता था मांडना, और जो आज हमारे भारत से लुप्त हो रहा है उस कला में भी वो बहुत निपुण है। शिखा जी हैंडीक्राफ्ट और क्ले के आइटम्स भी बहुत अच्छे बना लेती हैं। गणेश चतुर्थी के लिए गणेश जी वो स्वयं बना लेती है, और दिवाली के लिए दिए भी वह खुद बना लेती हैं। मेहंदी के बेहतरीन खूबसूरत डिजाइंस वो बना लेती हैं। डांस में भी कई कॉम्पिटिशन्स वो जीत चुकी हैं। हाँ, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कभी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, पर जहाँ वो पार्टिसिपेट करती हैं वहाँ वो जीतती हैं। यही नहीं फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छी लेखिका और सिंगर भी है। आप उनकी कविताएं या किसी भी टॉपिक पर उनके विचार सुनेंगे तो आप खुद अनुभव करेंगे कि वो बहुत अच्छी लेखिका हैं। और साथ ही में उनके YouTube चैनल पे आप उनके भजन भी सुन सकते हैं। उनकी आवाज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी, इसका हमें विश्वास है। फ्रेंड्स, शिखा जी कुकिंग भी बहुत अच्छी करती है। कुकिंग में भी जहाँ शेप देने की बात होती है, वो अच्छी अच्छी आकृतियों के साथ में बहुत स्वादिष्ट खाना बना लेती हैं। विभिन्न क्षेत्रों के पाक कलाओं में वो निपुण है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने शिखा जी में कितना टैलेंट है। यदि आपको उनका टैलेंट पसंद आया तो झट से वीडियो को लाइक शेयर करिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।